सीटर का सौ रख किया चक्का जाम। बच्चा यादव की हत्या के विरोध में मंगलवार को नेत्रराम चौराहे पर बड़ी संख्या में लोगों ने शव को रख कर चक्का जाम किया। लोगों ने मांग की कि हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। आपको बता दें कि सोमवार 24 जून को करीब 10:30 बजे कटरा में अज्ञात व्यक्तियों ने बच्चा यादव उर्फ विधान यादव को गोली मार दी थी। पुलिस ने बताया कि कृष्ण नंद यादव के बेटे बच्चा के पीठ में गोली मारी गई। हमले के फौरन बाद मौके पर ही उसकी मौत हो गई। उसकी उम्र 40 साल की थी। वह पुराना कटरा का रहने वाला था। यहाँ कटरा में एक गली है, उस गली में ये जो जिस गोली लगी है, जो मृतक है, ये मैच देखने गया था और वहाँ फिर बाद में पीछे से कोई बाइक सवार आए हैं, उन्होंने इसको गोली मारी है। इसे लेकर के तत्काल इसके परिजन पार्वती हॉस्पिटल गए हैं, वहाँ इसको मृत घोषित कर दिया गया, वहाँ से थाने पर लेकर के आए हैं। इसमें अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और जो लोग नामजद हैं उनको हम लोग जाँच करके और बड़ी जल्दी कार्रवाई करेंगे। इस तरह चौराहे पर गोलीबारी की घटना ने स्थानीय लोगों को दहशत में डाल दिया है। लोगों का कहना है कि उन्हें डर लगता है कि वे कहीं भी सेफ नहीं हैं। रात में हमला कर हमलावर बड़ी आसानी से पुलिस को चकमा देकर रफू चक्कर हो गए। पुलिस ने हत्यारों को पकड़ने के लिए विशेष योजना तैयार की है। गौरतलब है कि बच्चा यादव हिस्ट्री सीटर है, जिसके नाम थाना कर्नलगंज में विभिन्न धाराओं में कुल 12 मुकदमे पंजीकृत है।